सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। राहुल गांधी के संदेहानुसार आज शुक्रवार को 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन आज एक घटना लोकसभा में हुई जो ऐतिहासिक है। भारतीय संसद के इतिहास में कभी भी सदन के माइक को 2 मिनट तक म्यूट नहीं किया गया। संसद टीवी से सामने आई सदन के हंगामे की तस्वीरों में माइक म्यूट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रकार की आवाज़ सदन से बाहर सुनाई नहीं दे रही है। पहले कुछ क्षणों तक वीडियो में आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अचानक संसद म्यूट हो जाता है। बीते शुक्रवार को राहुल गांधी ने सदन में जाकर स्पीकर से बोलने देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, मुझ पर बीजेपी के 4 मंत्रियों ने देश के अपमान का आरोप लगाया है, मैं उनको सदन में आकर जवाब देना चाहता हूँ, कृपया कल मुझे बोलने देने दिया जाए। लेकिन राहुल की इस अपील में छिपा संदेह कि शायद उन्हें जवाब नहीं देने दिया जाएगा, कुछ वैसा ही आज शुक्रवार को लोकसभा में हुआ। सदन म्यूट कर दिया गया, अगले 72 घंटों के लिए सभा स्थगित कर दी गई। अब इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं ने तंज किया है कि बीजेपी राहुल के जवाब से डरी हुई है, सरकार चाहती है कि सिर्फ बीजेपी की ही बात देश सुने, राहुल का जवाब लोगों तक पहुँचने से रोका जा रहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए एक वक्त मांगा, सत्ता पक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। जब नारे लगे, राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, स्पीकर मुस्कुराए और संसद टीवी ने लोकसभा कार्यवाही को म्यूट कर दिया। लोकतंत्र ऐसे कमजोर हो रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने कहा, आज सदन म्यूट है, ये शायद पहले कभी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? तानाशाह डरा हुआ है, अपने और अपने गुलामों के अलावा किसी की आवाज़ दुनिया तक नहीं जाने देना चाहता। सदन अब 72 घंटों के बाद खुलेगा। सुनील शर्मा कहते हैं, देश एक कदम और आगे बढ़ा लोकतंत्र समाप्ति की दिशा की ओर। राहुल गांधी को हल्के में मत लो, भविष्यवाणी कर देते हैं और लगभग सच साबित होता है, इसी को अघोषित इमरजेंसी कहते हैं। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया।